तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मैकरीना प्लेरियम प्ले को अपने पीसी या लैपटॉप में रन करने के लिए आपके पास क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग मुझे बता रहे थे कि भाई हमारे पास सिर्फ 4 GB रैम और i3 प्रोसेसर है, लेकिन हम फिर भी मैकरीना को अपने सिस्टम में खेलना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमें बता कि कैसे हम प्लेरियम प्ले को अपने बजट सिस्टम में रन कर सकते हैं। वैसे मैंने अपनी इस वीडियो के लास्ट में आपको एक रफ आइडिया दिया था कि अगर आपके पास बजट सिस्टम है तो आप कैसे प्लेरियम प्ले को उसी सिस्टम में रन कर सकते हो, लेकिन किसी ने वो वीडियो एंड तक देखी नहीं। भाई वीडियो तो पूरी देख लिया करो, उसके बाद कमेंट किया करो। बाय द वे, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जुगाड़ लगा के अपने चीप पीसी या लैपटॉप के अंदर मैकरीना प्लेरियम प्ले को रन कर सकते हो। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इंटेल Core 2 Duo या Core 2 Quad का प्रोसेसर है तो हम क्या करें, तो आप टेंशन ना लो, उसका भी जुगाड़ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप अपने बजट सिस्टम के अंदर विंडोज 10 चला रहे हैं तो सबसे पहले तो उसे अनइंस्टॉल करके विंडोज 8 या 8.1 कर दो। मारो मुझे, मारो मुझे। देखो भाई विंडोज 10 जरा हैवी विंडो है और वो जरा सिस्टम के रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करती है, तो वो आपके बजट सिस्टम के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आप विंडोज 8 कर लो, क्योंकि वो जरा सही रहेगी आपके सिस्टम के लिए। और विंडोज 8 इंस्टॉल करने के बाद कोई फालतू की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और जो पहले से विंडोज 8 चला रहे हैं वो भी अपने सिस्टम के कंट्रोल पैनल में जाके सारी फालतू की एप्लीकेशन को डिलीट कर दें, ताकि हम अपने सिस्टम के रैम और प्रोसेसर को ज्यादा से ज्यादा फ्री कर पाए। अब ये काम करने के बाद आपने यूट्यूब पे जाना और वहाँ पे सर्च करना हाउ टू ऑप्टिमाइज विंडोज 8 फॉर गेमिंग इन हिंदी, और आपने कम से कम 5 से 6 वीडियोस को पूरा देखना और उनके एक एक स्टेप को फॉलो करना। अब ये कर लेने के बाद आपने प्लेरियम प्ले को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर लेना, और जब आप मैकरीना को रन करने वाले हो उससे पहले आपने अपने सिस्टम के एंटीवायरस यानी विंडोज डिफेंडर को ऑफ कर देना। अरे कहना क्या चाहते हो? अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विंडोज डिफेंडर होता है वो भी आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है और काफी आपकी रैम को कंज्यूम कर रहा होता है, तो जब आप कोई हैवी टास्क करने वाले हो तो उसको ऑफ कर देना। अच्छा, अदरवाइज अगर आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हो या कोई नॉर्मल टास्क कर रहे हो तो आप उसको एनेबल कर सकते हो, लेकिन हाँ मैकरीना खेलते टाइम आप उसको ऑफ ही रखना। अब जब गेम आपके सिस्टम में सक्सेसफुली रन हो जाए तो उसके बाद आपने सबसे पहले उसकी सेटिंग में जाना और सारी ग्राफिक्स क्वालिटी और नॉर्मल सेटिंग को लो पे रख देना, बिल्कुल लो पे रख देना, ताकि जो है आपको ज्यादा से ज्यादा FPS मिल पाए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कह रहे हैं कि हमारे पास इंटेल Core 2 Duo और Core 2 Quad का प्रोसेसर है तो हम मैकरीना को कैसे रन करें अपने सिस्टम में। तो उसके लिए आपने करना यह है कि आपने यूट्यूब पे जाना है और वहां पे टाइप करना है हाउ टू कंट्रोल ओवर मोबाइल विद PC। जब आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने काफी सारी वीडियोज आएंगी और आपने उनमें से किसी एक वीडियो को देखना और जो सॉफ्टवेयर हो बताया उसको इंस्टॉल कर लेना, और उससे होगा ये कि आप अपने मोबाइल को अपने सिस्टम से कंट्रोल कर पाओगे। अब जब आप अपने मोबाइल को अपने सिस्टम से कंट्रोल कर पाओगे तो ऑब्वियसली अगर आप उसके अंदर कोई गेम खेलोगे तो आप उसे अपने सिस्टम से भी कंट्रोल कर पाओगे। इसे होगा यह कि गेम तो मोबाइल के अंदर चलेगा लेकिन आप उसे कंट्रोल अपने सिस्टम से कर पाओगे, तो उसे आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मैं इसको PC पे खेल रहा हूं। तो ये एक जुगाड़ है जिसे आप मैकरीना को अपने चीप सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हो। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।